गाइस चल रही है हमारी रेस, हमें पहुंचना है वहाँ। इस कैंची धाम के दर्शन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल और अगले दो मिनट में वी विल पार्क द गाड़ी एंड फिर हम करेंगे बोटिंग और कुछ खाएंगे। सो गाइस ये है अपना नैनी लेक, काफ़ी दूर है अभी, तो हम प्लान कर रहे हैं एक बार मंदिर विजिट करेंगे और उसके बाद कुछ खाते हैं एंड उसके बाद हम फिर बोटिंग करेंगे थोड़ी देर में। बट लेक काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड मज़ा आ रहा है यहाँ पे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। Receive payment of 100. जा रहे हैं हम बोटिंग करने जो कि है पैडल बोट। आ जाओ भाई। डर क्या, ऐसे में डरने वाली क्या बात होती है। चलो पापा आ जाओ, दो वाले यहाँ पे, चार वाले यहाँ पे। सोना तुम आई नहीं हो ना, इसलिए दो वाले वहाँ जा रहे हैं, तुम भी यहाँ बैठती। इसे कहते हैं नैनी लेक, जो कि एक मेजर अट्रैक्शन है नैनीताल का। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और बोटिंग करते हैं। यहाँ पे काफ़ी तरह की बोट्स होती हैं। इस टाइम पे हमने पैडल बोट ली हुई है, तो अभी हम एक घंटे के लिए पैडल बोट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बत्तख जा रही है और बत्तख पे अनूर बैठे हुए हैं और बोटिंग का पूरा मज़ा ले रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, अनूप चले गए आगे। मुझे अभी ना बैठ के मैगी खानी है, इतना मजा आता था। मटन बनता था, मटन अब तो हम खा नहीं रहे, चिकन मटन अब नहीं खा रहे ना, तब तो मैं खाता था ना, मटन राइस बहुत कुछ बनता था और सबसे मजा आता रसगुल्ला खाने में। ऐसे थोड़ा सा पतीला आता उसमें रसगुल्ले रसगुल्ला चल रही है। इस बार हो जाएगा ना भाई, जो चाहिए हमें हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। चलो यार हमारा रेस है ये। गाइस चल रही है हमारी रेस, हमें पहुंचना है वहां तक और देखते हैं कौन जल्दी जाता है। अरुप कम ऑन, कंप्यू कंप्यू प्रिज्मा Let's see grow. Bye guys, कौन जीता इस रेस को। बहुत ताकत लगा रहे हैं ये लोग। So strong people. वो दो लोग हैं, हम चार लोग बैठे हैं, लेकिन बोट भी बड़ी हमारी। इतने बड़े लेक में इतनी सारी बोट्स अभी चल रही हैं। कम से कम इसमें 100-125 बोट्स हैं जो हैं चल रही हैं इस टाइम पे। एंड भीड़ काफ़ी है नैनीताल में अभी भी, बिकॉज वीकेंड है तो लोग काफ़ी हैं। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना कुछ कुछ खाएंगे अभी, लंच करानी किसी ने तो लंच होगा अभी, कुछ ऑर्डर करा होगा यहाँ से। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है नैनीताल का ऑन द वीकेंड। सो गाइस फाइनली अपने होटल में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है वाटर गेट। ये इसका एंट्रेंस है, रिसेप्शन देखते हैं फिलहाल, गाड़ी लगाते हैं और सामान निकालते हैं। यार गाइस चेक इन हो चुका है, रूम टू आप ले लो फटाफट। ये हो गया आपका सुपर वॉशरूम, ठीक है। दिस इज़ द बेडरूम, बेडरूम क्या है, रूम है और क्या है, बड़ा सा टीवी है भाई, इतना बड़ा टीवी पहली बार देखा बाहर यार, ये अच्छा है, वाह दिस इज़ गुड। बालकनी है, मज़ा आया, कैसा रूम है, ठीक है, आई नो दैट अच्छा नहीं है बट जो है यही है भाई, इतने में इतना ही मिलता है। तो अब चलते हैं अपने रूम में जो कि है ये, और ये मैं हूँ, हाय, बालकनी है भाई वहाँ पे, चलो आज रात को यहीं महफिल जमाएंगे इस बालकनी के अंदर। एंड दिस इज़ भीमताल का ये रोड है, नीचे मेन हाईवे है ये, एंड ये होटल है वाटर गेट। गाड़ियाँ वहाँ पार्कड हैं और ये हो गया रूम। पसंद आया नहीं आया जो भी है यही। गुड मॉर्निंग, भीमताल में है एंड अभी सो के उठे हैं, डे टू है आज का। कल हमने बहुत ही बढ़िया दर्शन करे कैंची धाम के, फिर गए नैनीताल, वहाँ हमने करी बोटिंग, खाया पिया, इंजॉय करा, फिर हम वापस आ गए भीमताल, यहाँ पे स्टे करा। अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में
कहाँ के लिए? टूवर्ड्स गुड़गांव। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपको ऑन द। और कुछ ऐसा दिखता है हमारी बालकनी से भीमताल की पहाड़ियाँ। भीमताल जो है वो नैनीताल के काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पे अभी उतनी ठंड नहीं है, लेकिन हाँ पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है यहाँ पे, तो मज़ा आ रहा है, शांति मिल रही है। तो आपको कैसा लगा भीमताल बताइएगा जरूर। रूम है ना, यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है, आपको मैं एक स्टिमेट डाल दूंगा आगे कि कैसा दिख रहा है बाहर, बट इट्स अ वेरी गुड रूम, गुड व्यू। एंड अभी हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए? गुड़गांव। ये मेन्यू था यहाँ का, अभी अंधेरा नहीं है ना तो आपको दिखा देता हूँ। ये इनका ब्रेकफास्ट है, शोरबा, सूप, चाइनीज़, किड्स का मेन्यू, देन नॉनवेज एपेटाइजर्स जो हम खाते नहीं हैं। अब पीछे इनका अगेन है मेन कोर्स, कल हमने यहाँ से काफ़ी कुछ मंगाया था, खाया था, रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज कल बहुत सारी बातें चल रही थी तो वो हम दिखा नहीं सकते थे। तो कल वॉज अ वेरी गुड डे विद अनूप। तो ये सारा इनका मेन्यू है और अभी हम निकल रहे हैं फॉर ब्रेकफास्ट, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में बाहर। सो गाइस, मैं हो गया हूँ पूरा रेडी नहा धो के एंड अभी हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज हमें अगले आधे घंटे बाद निकलना है गुड़गांव के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं शाम को 6 बजे तक ना प्रॉपर गुड़गांव पहुँच जाए, फिर रात को आराम से हम एक छोटी और पार्टी कर सकते हैं किसी के साथ। ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि ड्राइव करके जल्दी पहुंचेंगे, तो आपको मिलते हैं डायरेक्टली गुड़गांव में और आपको फिर वहाँ पे टाटा बाय कर देंगे। घर पहुँच चुके हैं और एंट्री मार दी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।